नमस्कार। देश में इन दिनों बहुत तेज़ी से आप देख रहे होंगे लैंड जिहाद और लव जिहाद और धर्मांतरण का मामला बहुत तेज़ी से उसकी बानगी आप देख सकते हैं। आइए देखिए। और गेम जिहाद भी फौरी तौर पर देखा जा सकता है, यह इसका भी प्रचलन खूब बढ़ा है। क्या अभिषेक, इसमें दो तीन महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता दूं। आपको ध्यान होगा आज के 8 से 9 महीने पहले मेरठ से एक स्टोरी को ब्रेक किया था हम लोगों ने। तकरीबन 400 लोगों का धर्मांतरण हुआ था और जिस तरीके से डाटाबेस के आधार पर लगातार धर्मांतरण हुआ था उसको लेकर के हमने इस बात को कहा था, ग्राउंड पर मैं खुद मौजूद था, कि जिस तरीके से उनके डाटा कलेक्ट किए जाते थे और डाटा कलेक्ट होने के बाद से दूसरे लोगों तक कैसे शेयर किया जाता था, वहीं से इस पूरे मामले को लेकर के सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि आखिर इस रैकेट को चला कौन रहा है। तो जब इस पूरे मामले में रैकेट की बात निकल करके सामने आई तो आप देखिए धीरे धीरे उस घटना के बाद ये जो एक अपने आप में बड़ी घटना है, उपदेश भाई इस बात को लगातार कह रहे हैं और उपदेश भाई पहले आदमी है जिन्होंने फोन करके इस पूरे मामले में सूचना दिया कि इस तरीके की घटनाएं चल रही हैं। और अगर मैं बात करूं गुजरात की तो गुजरात में 400 मामले अपने आप में कम नहीं है, लेकिन इस बीच मुझे दो चीजें भेजी गई हैं, मैं वो आपको एक्सक्लूसिव दिखा दूं। जो इस पूरे धर्मांतरण के लिए जो पैसों का हेरफेर होता था, जो ट्रांजेक्शन किए जाते थे, उसका हमारे पास जो एविडेंस है जो वो मौजूद है, आपको मैं वो दिखाता हूं। इसमें किस तरीके से ये राजेश जानी जिसका नाम बताया जा रहा है उसके फोन से उनकी बिटिया ने इसको क्लिक किया था और आप देखिए कि जो ट्रांजेक्शन हुए हैं किस तरीके से पूरे ट्रांजेक्शन को आप देख सकते हैं कि यानी कि जो मैसेज आते थे ये पूरा एक लंबा मामला था, पैसों की लेन देन होती थी और इस तरीके से मैसेज आते थे, इस तरीके से जो ट्रांजेक्शन होते थे। ये फोटो उनकी बेटी ने उनके फोन से गुपचुप तरीके से क्लिक किया। आगरा की लोहा मंडी में मंदिर से आ रही लड़की के साथ छेड़खानी की गई, लड़का रास्ता रोककर छेड़खानी करने लगा, इस पर लड़की ने थप्पड़ मारा तो उसने धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अगर पुलिस प्रशासन ने कोई कठोर कार्रवाई नहीं की तो ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी, हर स्तर पर लड़ी जाएगी। और रोहिंग्याओं को आप देख सकते हैं भारी मात्रा में ये लोग तलवार ऊंचे हुए हैं, पकड़ में आए हैं। लैंड जिहाद का नमूना देखिए प्रयागराज में। देखिए इसी तरह का फ्लैट बना है और यह आनंदमयी दृश्य है। हिमाचल के ऊना में मुस्लिम डॉक्टर द्वारा प्राणजनक टिप्पणी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, 40 डिग्री टेम्परेचर में भी हिंदू सड़कों पर है। इसी तरह जगना होगा सबको। महिला फुसला कर ले जाने का मामला प्रकाश में आया था जिसमें स्थानीय लोगों में काफी रोष भी था। पुलिस ने इसमें तत्काल संज्ञान लेते हुए पूरे प्रकरण में इसमें अभियोग पंजीकृत किया था। 363 और 808 में अभियोग पंजीकृत करके जो ये दो अभियुक्त थे गुलजार और गुलजार उर्फ नितिन पुत्र मोहिंदीन और दूसरा असलम पुत्र समयदीन, इन दोनों की अरेस्टिंग की गई है और इन दोनों को न्यायिक परीक्षा में दिया जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। औरंगजेब द्वारा औरंगजेब का पुतला महाराष्ट्र में फूका जा रहा है। ये देखिए क्रिएटली के हवाले से। उत्तराखंड के बाद महाराष्ट्र में भी हिंदू जिहादियों के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं। ये देखिए योगी जी का जलवा हर जगह कायम है। जो उड़ीसा में कांड हुआ है रेल से संबंधित, उस रेलवे में भी उठी योगी मॉडल की मांग, या सिर्फ हादसा नहीं षड्यंत्र भी हो सकता है। बांग्लादेशी रोहिंग्या जो है, बांग्लादेशी कहा जाए, अच्छा। ये मूल रूप से उनको मतलब कमती दाम के चक्कर में उनको भर दिया गया है। वो वही लोग का के प्रोटेस्ट में जो ट्रेन जलाए थे, ट्रेन की पटरियां खोलने में एक्सपर्ट है, वैसे लोग देश के लिए आज खतरा बन के उभरे हैं। उसको ऐसे लोग इन्वॉल्व है जो रेलवे हादसा हुआ है, इस पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है। जब देना अलग बात है, गलती है सरकार की गलती है। और वो जो फाउंडेशन तैयार करते हैं जिसपे पोल लगा हुआ है, ओएची का पोल लगा हुआ है, उसमें भी फाउंडेशन में जो कंक्रीट डाला जाता है और रेलवे का जो बड़ा पत्थर होता है उसी को चोरी करके डाल देते हैं। तो अभी कुछ एक व्यक्ति को मैंने सुना, उन्होंने कहा गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए इसके लिए। तो गृह मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए बल्कि रेल मंत्री को योगी मॉडल अपनाने की आवश्यकता है। देश के ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में जहां रेलवे का जमीन अतिक्रमण किया गया है, इनक्लोज कर करके जो है रेलवे किनारे
साइड में झुग्गियां बना दी गई है, उस सबको रेल मंत्री से यही दरख्वास्त करेंगे कि इतने सारे आरपीएफ को किस लिए जनता की तो इसके दम पर साल 2024 में सरकार जा रही है भाई साहब। रेल एक थोड़ा सा अंश सुनिए। चीन के हिमायतियों और खासतौर से हमारे इस्लामियों जो चीन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं भारत को भी चीन के जैसा हो जाना चाहिए, हमारे राहुल गांधी भी बोलते हैं, हमारे बहुत सारे और लोग भी बोलते हैं, उनको ये बता दिया जाए कि चीन में मस्जिदें गिराई जा रही हैं और खाली अब जो वीगर मुसलमान थे शीजांग वाले, केवल उनकी मस्जिदें नहीं गिराई जा रही हैं, जो पुराने मुसलमान जिनको हुई मुसलमान बोलते हैं, हुई मुसलमानों की मस्जिदें भी गिराई जा रही हैं। मोहन बनकर मेहरबान अली ने रची लफ्ज़ याद की साजिश, हिंदू युवती को रामपुर से कलियर शरीफ ले जा रहे थे मुस्लिम युवक, संदेह होने पर हिंदू संगठनों ने पकड़ा फर्जी आधार कार्ड के सारे, खुद को मोहन बता रहा था मेहरबान। यह समाचार हृदय को सुकून देने वाला है। दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में वीर सावरकर का योगदान और दर्शन होगा शामिल, 100 से अधिक प्रमुख हस्तियों ने किया समर्थन। सुदर्शन न्यूज़ के हवाले से, रिहान ने हिंदू महिला को नौकरी का झांसा देकर किया गैंगरेप, फिर दोस्त संग बनाया वीडियो, कितना देखेंगे अब देखिए। बरेली से एक और हिंदू लड़की का अपहरण, वीरगंज इलाके से किशोरी को अगवा करके ले गया शाह आलम, गरीब हिंदू परिवारों की बेटियां बनाई जा रही टारगेट, रिपोर्ट दर्ज कर तलाश में जुटी पुलिस। कपिल मिश्रा जी के हवाले से, अब मुंबई के मीरा रोड में मनोज नाम के राक्षस ने सरस्वती की नृशंस हत्या कर दी, ऐसे हत्याओं में सजा दिलाने में फेल पुलिस और न्यायपालिका की भूमिका बहुत गंभीर है, फांसी से कम कोई भी सजा बेटियों के साथ अन्याय व धोखा है। लखनऊ के इंदिरा नगर में शाहिद खान ने 13 साल की लड़की की रेप के बाद हथौड़ी से कूचकर हत्या कर दी और सबूत को छिपाने के लिए फंदे पे लटका दिया, आपको भी ऐसा बताया जा रहा है कि यही जियादी है, इसी ने कांड किया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।